उधर कोल्हापुर में औरंगजेब को लेकर कल भारी हंगामा हुआ था। अब बड़ी खबर यह है कि जांच एजेंसियों को शक है कि माहौल बिगाड़ने के लिए नाबालिगों को मोहरा बनाया गया है। सोची समझी साजिश के तहत बच्चों को भड़काया गया है ताकि मास्टरमाइंड तक जांच एजेंसियां ना पहुंच पाए। और अब जो लोग इसके पीछे हैं उनकी तलाश की जा रही है। तो नाबालिगों को मोहरों की तरह इस्तेमाल किया गया, जो हिंसा भड़की थी कोल्हापुर में औरंगजेब को लेकर, उसी से जुड़ी ये बड़ी खबर। कुछ इस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी महाराष्ट्र के कोल्हापुर से कल। इसी हिंसा की जांच में बड़ा खुलासा यह हुआ है कि साजिश में नाबालिगों का इस्तेमाल किया गया, नाबालिगों को मोहरों की तरह इस्तेमाल किया गया। जो सोशल मीडिया अकाउंट ऐसे हैं जो ये ट्रेंड या नरेटिव सेट करना चाहते हैं, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे कि ये आईडीज किसे बिलोंग करते हैं, ये कब क्रिएट किए गए और कौन से मोबाइल नंबर इससे एसोसिएटेड है, साइबर सेल इसकी जांच करेगा। सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद है। सूरज, कोल्हापुर में जो हुआ उसमें अब जो ये बड़ा खुलासा हो रहा है कि साहब नाबालिगों को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया, तो किस तरीके से इस्तेमाल किया गया मोहरे की तरह? जी बिल्कुल रोमाना, देखिए काफ़ी सीरियस क्राइम की तरफ इशारा कर रहा है जो जांच एजेंसियां हैं। उनका ये मानना है कि नाबालिगों को सिर्फ और सिर्फ मोहरा बनाया गया था और यहां पर एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है जो कहीं ना कहीं छुपी है, जिसके तार ढूंढने की कोशिश एजेंसियां कर रही हैं। एजेंसियों का ये शक है कि ये जो 5 नाबालिगों का इस्तेमाल किया गया, सोशल मीडिया पर स्टेटस रखवाया गया ताकि हिंसा को भड़काया जा सके, शहर का लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ा जा सके, और इसी वजह से अब पुलिस की जांच की दिशा बदल गई है। पुलिस ने यही जानना चाहती है नाबालिगों ने किस तरीके से उनको मोहरा बनाया गया, क्या स्टेटस लगाया था। यहाँ कोल्हापुर में चौक पर जमा होने का आह्वान इन्हीं नाबालिगों के स्टेटस की तरफ से किया गया था, जिसके बाद ये भीड़ जुटी। अपडेट क्या है, कैसे इनको मोहरा बनाया गया? देखिए, जो जांच एजेंसियों का मानना है उसके हिसाब से कि जो मास्टरमाइंड है उन्होंने नाबालिगों का इस्तेमाल किया और नाबालिगों को गुमराह किया और इस तरह के स्टेटस रखने पर उन्हें विवश किया, उन्हें फोर्स किया, उन्हें मनाया ताकि शहर का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े और जो मास्टरमाइंड है वो भी बच जाए, क्योंकि नाबालिगों को इतनी कड़क सजा नहीं मिलती। उन्हें चिल्ड्रन होम में भेजा जाता है, करेक्शन किया जाता है और कुछ समय बाद उन्हें रिहा भी किया जाता है, और इस तरह की एक प्लानिंग की आशंका जताई जा रही है कि जो मास्टरमाइंड है उन्हें नियम कायदे की जानकारी है, जिसकी वजह से उन्होंने इन नाबालिगों का इस्तेमाल किया, इनके सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और इनके माध्यम से ही ये सारी चीजें करवाई ताकि शहर में अनरेस्ट पैदा किया जा सके। तो देखिए, अब पुलिस की जो जांच है वो इसी दिशा की तरफ है कि नाबालिगों को जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी सूरज ओझा कि देखिए किस तरीके से नाबालिगों को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद ये हालात कोल्हापुर में बिगड़े। लेकिन फिलहाल कोल्हापुर में पूरी तरीके से शांति है, पुलिस पैनी नजर बनाए हुए है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं पुलिस के अधिकारी। शहर और डिस्ट्रिक्ट कोल्हापुर की परिस्थिति अभी सामान्य है। कल दोपहर से कोल्हापुर शहर में 2 SRPF की कंपनी हमें कल प्राप्त हुई थी, वो डिप्लॉयड है। आज एडिशनल 2 SRPF की कंपनी डिप्लॉयड है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अराउंड 300 पुलिस कांस्टेबल्स, अराउंड 60 ऑफिसर्स डिप्लॉयड है। एक आजरा में भी 20 लोग एडिशनल कल रात को डिप्लॉय किए गए हैं। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितना भी फोर्स अवेलेबल हुआ है वो डिप्लॉय हुआ है, और आज से हमें 1500 होमगार्ड्स भी मिले हैं, वो भी डिस्ट्रिक्ट में डिप्लॉयमेंट चल रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।